नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज 18 में और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच का जिलाधिकारी कार्यालय हाईटेक हो चला है। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव फरियादियों की शिकायत को लेकर बेहद गंभीर है। इसके द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। उन्होंने कार्यालय में फरियादियों के लिए एक शिकायत हेल्प डेस्क बनाया है, जिसमें फरियादियों की शिकायतें नोट की जाती हैं तथा उन पर कार्यवाही हुई, क्या एक्शन हुआ, इसके बारे में फरियादियों को अवगत कराया जाता है। साथ ही साथ शासन की योजनाओं से भी जन को अवगत कराया जा रहा है, ताकि उनको पता चल सके कि सरकार द्वारा कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। फरियादियों की शिकायत सुनकर मातहतों को उचित दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ताकि शिकायत का उचित निस्तारण समय से हो सके। हम लोग ने यहाँ पर एक शिकायत हेल्प डेस्क बनाया है, तो जो भी प्रार्थी आते हैं, उनकी जो भी समस्या हो, मांग हो, उनके कोई फीडबैक हो, सुझाव हो, उन सबके लिए ये काउंटर बनाया गया है और उनकी जो भी बात बताई जाती है उसको वहां पे दर्ज किया जाता है। अगर वो कोई एप्लीकेशन लेके आते हैं तो इसके पूर्व में, अगर वो पूर्व में आए हैं तो उस संदर्भ पर भी उन कृत कार्रवाई से उनको अवगत कराया जा रहा है। और आने वाले दिनों में हम लोग की कोशिश है कि SMS के माध्यम से या दूरभाष के माध्यम से या पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनको प्रत्येक प्रार्थी को अवगत कराया जाए कि उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर क्या कार्रवाई हुई है। और इसी के साथ जो लोग यहाँ पर आते हैं और उनका काफी समय यहाँ पे लगता है, जितनी देर में वो शिकायतों को निस्तारित कराते हैं या अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक मैगजीन स्टैंड और पैम्फलेट वितरण के लिए बनाया है स्टोर, तो वहां जितनी देर वो बैठे वो उसका अवलोकन कर सकते हैं, जिससे उन्हें जानकारी मिले कि सरकार की तरफ से कौन सी सुविधाएं विभिन्न विभागों और योजनाओं के माध्यम से उन तक पहुंचाई जा रही है। बहराइच से विजय प्रताप गुप्ता की रिपोर्ट।